बिहार में विधानसभा चुनाव के रण में साल भर से ज्यादा का वक्त है, लेकिन चुनावी बिगुल अभी से फूंक दिया गया है। जेडीयू बोल रहा है ठीक है तो है नीतीश कुमार, क्यों करे विचार। ये बात विरोधी दलों को बिल्कुल नहीं पची और अब सियासी दंगल शुरू हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की ओर से फौरन जवाब आ गया। सबसे पहला चैलेंज आया आरजेडी की तरफ से। ट्विटर पर आरजेडी ने सुशासन सरकार के खिलाफ पूरी की पूरी कविता ही लिख डाली। कहा गया कर लिया है विचार, हमें चाहिए तेजस्वी सरकार। कानून व्यवस्था को लेकर भी आरजेडी ने नीतीश सरकार की खिंचाई कर डाली। ट्वीट में कहा पुलिस से डरने की अब रह गई है क्या दरकार, जब करे मन मार रहे हैं गोली दो चार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। अब बारी बीजेपी की थी, सत्ता में साझीदार हैं, सो नीतीश बाबू का सपोर्ट तो बनता है। सो डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी ट्वीट कर ताल ठोक ही डाली। ट्वीट में लिखा पोस्टर के जरिए जनमत बनाने का अधिकार सभी दलों को है, कुछ लोग जनमत बिगाड़ने या राज्य की छवि धूमिल कर निवेशकों को डराने के लिए भी पोस्टर का दुरुपयोग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त भी सारे पोस्टर्स लगाए गए थे, लेकिन जनता ने किस पर भरोसा किया, किनके पोस्टर को रद्दी समझा, ये सबके सामने है। इतना ही नहीं, एक और ट्वीट किया गया और विपक्षी दलों पर तंज कसा गया। लिखा गया हमारे यहां नेतृत्व को लेकर ना कोई संशय है ना कोई अंतर्कलह है, लेकिन इस पोस्टर युद्ध में सबसे मजा आया पप्पू यादव के ट्वीट को पढ़कर। पिछली बार पप्पू की पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार जमानत भी बचा नहीं पाए थे, वहीं अब की बार वो बोल रहे हैं कि हो चुका है विचार, देंगे उखाड़, कहीं के नहीं रहेंगे नीतीश कुमार। R9 TV के लिए अनु सिंह की रिपोर्ट।